साथ में जुड़े हुए हैं पीएसडी पीजीएसडी स्कूल से सेक्रेटरी साहब। राम राम सर जी। लड़कियों के ऐसा है जो आज का अभियान जो चलाया है ये लड़कियों के प्रति जागरूकता के लिए और सरकार की आंख खोलने के लिए जो इतनी लापरवाही हो रही है हमारी बहनों के साथ बेटियों के साथ। सरकार और कामों में ध्यान दे रही है। आरटीआई का कानून जो हर एक काम को डिस्टर्ब करता है, गवर्नमेंट के काम को, प्राइवेट सेंक्शन को, लेकिन लड़कियों की बहनों की सुरक्षा की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चला रखा है उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए ताकि हर एक परिवार अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को निसंकोच एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा मार्गदर्शन देश के, यही मेरी सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अपने साथ में और भी स्टाफ जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। और मैं क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने देश की आवाम को? सर, एक टीचर होने के नाते मेरा तो यही संदेश है कि समाज में अकेला नियम कानून कितना भी सख्त कर ले हम, उससे अकेले नियम से, कानून से या सजा से समाज नहीं सुधरेगा। जब तक हम समाज में जागरूकता नहीं बनाएंगे, संस्कार नहीं देंगे, जो हमारे प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे, रामायण महाभारत ऐसी कहानियाँ सुनाते थे, संस्कार दिए जाते थे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गई है। लोगों को संस्कार नहीं है उसके अंदर, बच्चों को कोई संस्कार नहीं है। आज इतनी तरक्की कर दी देश ने, कंप्यूटर बना दिए हैं, लैपटॉप हो गया है, इंटरनेट से जुड़ गया है, चंद्रयान बना दिए, चंद्रमा पर हम पहुंच गए, हवाई जहाज, तोपें, मिसाइलें, पता नहीं क्या क्या आइटम बम, दुनिया भर की चीज़ बना दी, लेकिन इंसान को इंसान बनाना भूल गए हैं। जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी भारत देश की, हम उससे दूर हटते जा रहे हैं। ये उन्हीं के संस्कारों की वजह से, संस्कारों की कमी के कारण आज समाज में हम ये दिन देखने को मिलते हैं। यदि वही शिक्षा पद्धति उसको फिर से संचारित कर दिया जाए हमारी शिक्षा के अंदर, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर बचाव होगा, अकेले दंड या कानून बनाने से नहीं। धन्यवाद। यानी ये सरकार से और क्या अपील करना चाहते हो कि भाई क्या होना चाहिए जिसको लेकर, यानी कि एक लड़की अगर घर से बाहर निकलती है तो वो निसंकोच निकले? सरकार से यही प्रार्थना है, सख्त से सख्त कानून हो और तुरंत अप्लीमेंट किए जाए कानून, जो बनाए के कानून बने हुए हैं लेकिन उनको अप्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया है, इस कारण से इतना लंबा समय है। जब फैसला हो जाता है, मुजरिम मान लेता है सजा, भाई उसने ये कृत्य किया है, तब भी उसको सजा नहीं दी जाती, तो तुरंत उसको जो भी सजा इन्वॉल्व की गई है, दी गई है उसको, तो उसको तुरंत सजा दी जाए, ताकि समाज, और बाकी मैं तो यही कहूँगा जो प्रियंका रेड्डी बिटिया डॉक्टर के साथ हुआ है और भी अन्य कितनी बिटियाओं के साथ हर रोज़ होता है, तो ऐसे कुकृत्य करने वालों को समाज के अंदर बीच चौराहे पर ला करके हाथ पांव काट करके, जो हमारे वैदिक काल में जो वैदिक राज होता था भारत महाभारत महाभारत से पहले समझो, उस समय जो सजा दी जाती थी ऐसे कुकृत्य करने वालों को बीच चौराहे पर खड़ा करके हाथ पांव काट करके लस्सी दही छिड़क करके कुत्तों को लगा दिया जाता था, उनको काटा जाता था, ऐसी सजा होगी तो कोई भी ऐसा कुकृत्य करने में आगे नहीं आएगा, लोग शिक्षा लेंगे इस बात से। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं जानना चाहूँगा, यानी कि आपने इस तरीके की बात कही है, आप सच में टीचर ही हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल इसी स्कूल में पीजीएचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 13-14 साल से सर्विस कर रहा हूँ यहीं पर, और स्वामी जी की कृपा दृष्टि से और हमारे सेक्रेटरी साहब महोदय हैं संस्था के, इन्हीं के साथ मिलजुल करके इस संस्था को आगे बढ़ाने के दिन रात ये करे। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ, जो कि ये जो किया गया है ना, और आपने जो इसका प्रावधान बताया, ये भी कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा कम है उसके लिए। जो रेपिस्टों ने ये काम किया उसको जिंदा जलाया है, जो लड़की को, प्रियंका को, बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, उसके लिए जो भी जितनी भी कठोर सजा हो ना वो कम है, क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आप भी सही कहते हो, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूँ इतनी भी सजा यदि हो जाए ना तो भी समाज में भय होगा, भय का माहौल होगा,
ऐसी बात नहीं है, लोग शिक्षित हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जागरूकता है, लेकिन थोड़ा डर आज कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रशासन का डर नहीं है। और मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सबका एक ही मानना है कि ये जो कुछ भी होता है ये एक नशे की वजह से होता है, आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा आपने पॉइंट दिया है कि नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे, आज जो हमारा हरियाणा स्टेट है, छोटा सा राज्य है, जो पंजाब के लगता हुआ जितने भी हमारे ज़िले गांव कस्बे हैं, वहां पर नशा इतना हो गया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, युवा तो बिल्कुल खोखले हो गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा समाज से, नशे पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, प्रतिबंधित हो, और नशे से प्रत्येक युवा बचे। अपने अच्छा, आप को अपने, अपने हिसार के अंदर नगर निगम है, मैंने सोचा कि एक बार उनकी मैं आंखें खोलूं, और हिसार के अंदर लगभग मान लो कि 100% शौचालय बने हैं, आधी जगह पे तो है ही नहीं। कहते तो ये हैं कि भाई सेक्टर काटने से पहले कि भाई आपको इतनी जगह जो है वो बनानी कंपलसरी, आपने सुना होगा। हाँ, स्वच्छता अभियान के लिए तहत जोड़ी गई है कि भाई आपको इतनी ज़मीन आपके पास में है तो आपको इतनी जगह बनानी जो है कंपलसरी है, इतने दिन के अंदर अंदर बना लीजिए। लेकिन वहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही टॉयलेट्स नहीं है, तो इस तरीके के भी कार्य हो रहे हैं, हमने देखे हैं। और दूसरी बात ये, उदाहरण के रूप में सेक्टर 21 है मेला ग्राउंड एरिया, और दूसरी बात ये कि यानी कि जो टॉयलेट्स बने हैं वहाँ पे टॉयलेट्स ना जाकर दिन के अंदर तो कहीं ना कहीं पे फिर उसका ठीक इस्तेमाल हो जाता है, रात में उसका बिल्कुल एक किस्म से वो नशे के अड्डे बन गए हैं। चोरी का वहाँ पे काम होता है, जारी का वहाँ पे काम होता है, नशे पते वहाँ पर होते हैं, और भी ना जाने ऐसे क्या क्या सबूत मेरे को वहाँ पर मिले हैं, मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ। और मैंने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लोग कहते हैं कि भाई नगर निगम करेगा, मैंने एप्लीकेशन लगाई थी आप सब भाइयों के सहयोग से। वन मिनट सुरेंद्र जी सिंगला जी वो बताएंगे इसके बारे में, मैं थोड़ा बच्चों को एक बार निकाल रहा हूँ। हाँ जी सर, तो यानी कि हमने एप्लीकेशन लगाई थी नगर निगम हिसार में कि भाई एससी साहब के पास में कि इसको जल्द से जल्द है ना ठीक करवाया जाए, जो नशा यहाँ पे हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बारी उसको या उन सर को याद दिला चुके हैं हम लोग कि सर इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आप क्या कहना चाहोगे, या तो वो नींद में सो रहे हैं या फिर वो किसी इसी तरीके की यानी कि प्रियंका रेड्डी चाहते हैं कि हिसार के अंदर भी कोई हो? ऐसा है जी, ऐसे में अगर हम सभी इंसान एक दूसरे को समझाएं, उनके पेरेंट्स, उनके साथी, या जगह जगह कैंप या जो कथा होती हैं उनमें सब में संदेश दे दें, 100 में से ज़्यादा नहीं तो 5 आदमी को ज़रूर समझ आएगी कि नशे से घर परिवार शरीर सारा खराब होता है। अकेली सरकार भी क्या क्या करेगी, एक चोरी करने के हम कह रहे हैं सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, चलाने वाला जब तक तो खुद नहीं बचेगा सामने वाला तो मारेगा। हमें खुद को बचना चाहिए, जिसका सबसे मेजर रीज़न है। अब जैसे सड़क पर जा रहे हैं, लोगों ने इतनी एंक्रोचमेंट कर रखे, हम जिसको कोई नहीं करता, अरे हम जब तक तो खुद नहीं जागरूक होंगे दूसरों को क्या जगाएंगे? तो इसलिए कोई भी कमेटी नक्शा पास करती है किसी भी सेक्टर का, उसके अंदर पहले शौचालय पर और साथ में उसके लिए स्टाफ वहाँ रखें ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। ये अपना सरकार और सभी मातृ के लिए संदेश। और मैं अपील करता हूँ नगर निगम हिसार से कि जल्द से जल्द ये जितने भी शौचालय बन रहे हैं इनको साफ़ और सुथरा बनाएं, और ये जो पड़ाव के अंदर है इसका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं आपको सबूत के ऊपर दे चुका हूँ, हर वीडियो हर प्रूफ दे चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और तंग होकर आखिरी में अनिल विज साहब के पास में एप्लीकेशन पहुंच चुकी है, 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका रिस्पांस आएगा तो वो आपको बताएंगे। धन्यवाद अपने सारे के सारे जितने भी बहन भाई जुड़ रहे हैं अपने साथ में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।